मैं उस दिन बहुत नशे में था, बहुत नशे में था। बट समझो ना यार किसी आर्टिस्ट को। फिर तुम लोग उम्मीद करते हो कि ये आर्टिस्ट दम ना तोड़े, या आर्टिस्ट सुसाइड ना करे, या आर्टिस्ट खत्म ना हो जाए। दिस इज रॉन्ग। बायोपिक बना के क्या कर लोगे फिर, व्हेन आई एम नो मोर। मैं जानता हूं कि हसल सीजन 1 के बाद कितने लोगों ने दिल से मुझे अप्रोच किया कि भाई तूने हमें बचाया, तूने हमें डिप्रेशन से बाहर निकाला, इस चीज से बाहर निकाला, एंड दैट दैट इज अ विनिंग। मेरे लिए वो जीत है। और अगर तुम मुझसे वो चीज दोबारा करने के लिए छीन लोगे कि नहीं बेला, अब तू दोबारा ये चीज नहीं करेगा, तो दैट हर्ट्स ब्रो। और उसमें मैं अकेला इंसान क्या कर लूंगा यार, मैं कितनों को रोक लूंगा, कब तक चलेगा ये वन वर्सेस ऑल, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अभी और कितने ताने सुनने बाकी है, क्या क्या करना बाकी है। आई एम जस्ट मेकिंग गुड म्यूजिक, और उसे सुनो, मुझे खुद को समझाने का मौका दो। जिस दिन मैंने अपने दिल की बात बोली थी, अब वो क्यों बोली, बिकॉज मैंने उस दिन भी आके ठीक से ये कुछ बातें नहीं बोली। एंड हसल वालों ने मेरे जीतने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रखा ना, कि लाइक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों को नहीं जमा, किंग को भी नहीं जमा, ईपीआर को भी नहीं जमा। ईपीआर मेरे पास आके बोला कि भाई ये मत कर, बर्बाद हो जाएगा, मत कर। तो मैं अपने बड़े भाई की बात माना, मैं ईपीआर की बात माना। उस टाइम पे मैं ईपीआर को बहुत मानता था, लाइक ईपीआर की पॉजिटिविटी, श्लोका के शब्दों में, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो मैं उसकी बातों में आके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्ट चला गया, 1 साल हो गया। मैं मुंबई में था एंड आई वॉज लाइक कि मेरे पास खाने को भी पैसा नहीं है ब्रो। गाने आ रहे थे, गाने मेरे आ रहे थे, बट कैसा, कटाना चली मेरी तो खजाना है, ये सब गाने आ रहे थे मेरे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो गाने चल नहीं रहे थे ब्रो, पैसा नहीं आ रहा था घर पे, घर वाले प्रेशर बना रहे थे, एवरीवन, मतलब समझ रहे हो ना तुम, दोस्त लोग भी, यार तू फेमस भी हो गया, सब हो गया, किंग को देख, इसको देख, कॉल्स आ रही है मेरे को। अभी तो मैं तुम्हें बताया भी था कि लाइक कवाई ने कॉल करके बोला एमसी स्टैन ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम समझ रहे हो। तो बहुत प्रेशर आ जाता है। एक तो तुम किसी इंसान को वन वर्सेस ऑल कर दो, देन डिस्ट्रॉय कर दो उसकी मेंटेलिटी, फिर उसको मेंटली रिटार्डेड बोल दो, फिर उसको रोने भी मत दो और उसको मौके भी मत दो। इट डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट मेक सेंस। देन मैंने एमटीवी वालों को बहुत कॉल किया यार कि मुझे काम दे दो। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के उनको बोला मुझे काम दे दो, मुझे कुछ ऐसा करने दो कि लाइक कुछ हो, समझ रहे हो। तो दे केम अप विद हसल फ्रॉम होम। तो यार मैंने उनके लिए झाड़ू भी लगवाया, मैंने उनके लिए झाड़ू भी लगाया, ठीक है, उनके एक बार कहने पे कि बेला वी वॉन्ट दिस फ्रॉम यू। तो बेला ने वो सब किया, हसल में जो जो बोला सब किया, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गुड। बट जब लोग ये चीजों के बारे में पूछते हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क में हूं कि मैं उनको जवाब क्या दूं। तुम समझ रहे हो कि मैं उनको जवाब क्या दूं। अभी वो ईपीआर जो मेरे साथ एक कमरे में बैठता था कभी, मेरा कभी खास दोस्त हुआ करता था, वो मेरे को बोलता था हसल के टाइम पे और हसल के बाद भी आया, मेरे पास चैट्स है उस चीज की, राइट। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम रियल एज फक। लाइक जो चढ़ता हुआ दिखेगा उसका पैर पकड़ लोगे क्या ब्रो? आई मीन दिस इज सो रॉन्ग। आर्टिस्ट को कब मौका मिलेगा? लाइक मेरे जैसे और कितने आर्टिस्ट हैं। आज मैं दिल्ली में बैठा हूं और मैंने इतने आर्टिस्टों को सुना, इतने आर्टिस्टों को मिला हूं ब्रो, लाइक गांड फट जाती है ब्रो। इतने गांड फाड़ आर्टिस्ट है और वो इतना हील कर रहे हैं लोगों को, इतना प्यारा म्यूजिक दे रहे हैं, बट वो रीच आउट ही नहीं हो पा रहे, उनको स्ट्रीम्स नहीं मिल रही। चलो ये भी मैटर नहीं है, मैटर ये भी नहीं है, मैटर ये है कि मैं वो शो जीत के भी मैं क्या क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग कि मैं तुम लोगों को हील करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग म्यूजिक फॉर दिस शिट और फॉर दैट शिट और फॉर दैट शिट। आई एम मेकिंग म्यूजिक टू ग्रो अप। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूं यार, यहां से बड़ा होना चाहता हूं, और वो तुम लोग समझ नहीं पाते हो। मैं कैसा इंसान हूं वो तुम्हारे लिए क्यों मैटर करता है ब्रो? क्या मैं तुम्हारे घर में आकर कभी पूछता हूं कि यार तुम कैसे हो, तुम अपने माँ बाप से कैसे बिहेव करते हो, तुम किससे क्या बात किए? मैं कैसा हूं वो तो दाई जानता है ना यार, मैं कैसा हूं वो बिग स्माइल जानता है, मैं कैसा हूं या वो जानता है जो मेरे साथ बैठ के 2 घंटा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात किया रहेगा कभी जिंदगी में। तो
तुम कैसे किसी भी इंसान की बातों में आ जाते हो यार, कि बेला ऐसा है, बेला इगोइस्टिक है, बेला ये है, बेला वो है. दिस फील सो रॉन्ग. मेरे को अभी कितने लोग MTV के अंदर से कॉल करके आज बोल रहे कि ब्रो MTV की कुछ टीम है जो वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू शो का पार्ट हो. दैट्स कूल. मैंने गलतियां करी है, मैंने उनको गालियां दी हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं शो पे आऊं? करेक्ट करेक्ट. बट उस चीज का भी एक रीजन था. लाइक मैंने कुछ किया, जीता. तुमने बोला कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये करेंगे, उसको आर्टिस्ट बना देंगे. वेयर इज योर विनर ऑफ सीजन 1? डू यू नो दैट? मुझे कोई ग्रजेज नहीं है, मुझे बहुत प्यार है उस शो से, आज भी उस शो के क्रिएटर टीम सबसे बहुत प्यार है. बट दिस इज रॉन्ग. नो, मेरे को आज भी, मेरे को शो से या स्टेज से कोई मतलब नहीं है. बट वो शो ऐसा है ना ब्रो, कि आपकी आवाज ऐसे लोगों तक पहुंचाएगा ना जिनको आपकी जरूरत है, जो आपको सुनने के लिए मजबूर. मतलब मैं जानता हूं कि हसल सीजन 1 के बाद कितने लोगों ने दिल से मुझे अप्रोच किया कि भाई तूने हमें बचाया, तूने हमें डिप्रेशन से बाहर निकाला, इस चीज से बाहर निकाला. एंड दैट दैट इज अ विनिंग. मेरे लिए वो जीत है. और अगर तुम मुझसे वो चीज दोबारा करने के लिए छीन लोगे कि नहीं बेला, अब तू दोबारा ये चीज नहीं करेगा, तो दैट हर्ट्स ब्रो. मेरा पहला ऑडिशन था रेप के बारे में, लास्ट था खुश नहीं खुद से. आई वॉज रियल फ्रॉम डे वन ब्रो, आई वॉज रियल फ्रॉम डे वन. शुरू से हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं. वहां पे आके मैं ये, तुम वहां आके ये बोल रहे हो कि बेला ने जो लड़की के बारे में बोला वो फेक था. चलो वो तुम वो सब हटाओ ना यार, जो मैंने रैप किया था लड़की के बारे में, रेप के ऊपर, तुमने उस पर ध्यान दिया? तुम लोग कभी उस चीज को नोटिस में लाए ही नहीं. कब वेट कर रहे हो कि क्या मैं अपनी मेहनत कर करके, ऑडियोस डाल डाल के एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, तब तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे क्या? तब तो फिर मैं ऐसे ही ठीक हूं ना यार, तब तो हर कोई रफ्तार और इक्का भाई जैसा ही फील करेगा ना यार. क्या पता उन लोगों को भी तुमने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए अब वो लोग ऐसे तुमको रिप्लाई नहीं देते. हम लोग को भी ऐसा लगता है, हर किसी की अपनी सिचुएशन रहती है, राइट? बट समझो ना यार किसी आर्टिस्ट को. फिर तुम लोग उम्मीद करते हो कि ये आर्टिस्ट दम ना तोड़े, या आर्टिस्ट सुसाइड ना करे, या आर्टिस्ट खत्म ना हो जाए. दिस इज रॉन्ग. बायोपिक बना के क्या कर लोगे फिर, व्हेन आई एम नो मोर? एम कंफ्यूज. मुझे हसल में जाना भी है और मुझे नहीं भी जाना है. I'm confused inside my head. इसको घमंड बोलो, ईगो बोलो, कुछ बोलो, हक से है ब्रो. वो सीजन मेरे लिए बहुत मैटर करता था, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, समझ रहे हो? उस सीजन ने तुम्हें MZ बेला दिया, भूलो मत ये बात. कोई भी नहीं, मैं भी नहीं भूलता हूँ ये बात कभी भी, ठीक है? बट आई रिस्पेक्ट दैट. अ लॉट ऑफ नहीं करते उस चीज को रिस्पेक्ट. मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे दिल से ये जो लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं और बोलते हैं कि बेला तूने हमें हील कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया. आई फील सो हम्बल एंड गुड ब्रो. इतना अच्छा लगता है ना दिल से, मतलब रात को नींद आता है, बट वो नींद दूर हो जाता है ब्रो जब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पजल ठीक करता जा रहा हूँ और लोग उसे आके खराब करते जा रहे हैं. और उसमें मैं अकेला इंसान क्या कर लूंगा यार, मैं कितनों को रोक लूंगा? कब तक चलेगा ये 1 vs. all? आई डोंट नो, आई डोंट नो. अभी और कितने ताने सुनने बाकी है, क्या क्या करना बाकी है. जस्ट मेकिंग गुड म्यूजिक और उसे सुनो. मुझे खुद को समझाने का मौका दो.